तो खबर भिंड से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 5-6 रथों को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की शुरुआत कर दी है। सीएम शिवराज ने कहा कि विकास यात्रा का उद्देश्य नए हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करना, विभिन्न योजनाओं का लाभ देना, पहले के हितग्राहियों से संवाद स्थापित करना और छूटे हुए हितग्राहियों का नाम जोड़ना है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण हमारा संकल्प। सीएम शिवराज ने कहा कि भिंड में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। लाडली बहना योजना के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। रवाना करेंगे मोदी जी का विजन, शिवराज जी का मिशन, विकास की लहर, हर गांव हर शहर। माननीय मुख्यमंत्री, आज सीएम जन सेवा जो अभियान चला था, अभी आपको बता रहे थे, सीएम जन सेवा अभियान में हमने तय किया पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी हितग्राही हैं 38 अलग अलग योजनाओं के, जिनके नाम छूट गए हैं, चाहे राशन हो, चाहे रसोई गैस कनेक्शन हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे आवास के लिए जमीन का मामला हो, 38 योजनाएं हमने तय किया कि जनता नहीं आएगी दफ्तर, गांव गांव हर पंचायत में शिविर लगेंगे, कर्मचारी अधिकारी जाएंगे, हमारे जनप्रतिनिधि जाएंगे, हमारे नेतागण जाएंगे और वहां जाके वो जितने बचे हुए हितग्राही हैं उनके आवेदन लेंगे और सबके नाम जोड़ने का काम करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूरे चंबल संभाग में, हमारे भिंड में, मुरैना में और श्योपुर में 3.5 लाख से ज़्यादा नए नाम जुड़े हैं अलग अलग योजनाओं के।